हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने जा रहे हैं हम चिकन मलाई टिक्का। अगर आपको ऐसे ही चिकन मलाई टिक्का चाहिए तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसमीन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रहे हैं हम चिकन मलाई टिक्का, और जो जो सामान डलेगा हम वो बताते हैं आपको, और जो मैगनेट में डलेगा, जिसमें डलेगा चिकन में, वो सामान सारा ही आएगा। दही है 4 चमची, पानी निकला हुआ बिल्कुल, 5 चमची मलाई है फ्रेश मलाई, 1 चमची कुटी हुई काली मिर्चें हैं, गार्लिक जिंजर पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, थोड़ा सा ऑयल है, गरम मसाला है, और धनिया हरी मिर्च कुटी हुई है, और 1 लेमन है, लेमन का जूस निकाल लिया हमने, नींबू का जूस निकाला, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर यानी कि मैदा है थोड़ा सा, और ये चिकन हमारा 600 ग्राम है। अब हम मैरिनेट करने जा रहे हैं। हमने लेमन डाल दिया, 1 नींबू करा, और हमने नमक है, ये हम नमक अपने स्वाद अनुसार डालें, कुटी हुई काली, कुटी हुई हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये काली मिर्चें हैं कुटी हुई, और क्या कहते हैं, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये दही है, ये फ्रेश मलाई है, ये गरम मसाला है। अब इसको हम मिला लेंगे। हमने अपना मसाला मिला लिया है सारा चिकन में, और हम इसको अब रेस्ट करने के लिए रख रहे हैं, 1 घंटे के लिए रख रहे हैं हम। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधा घंटा रख सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक रख सकते हैं आप इसको, और हम कम से कम 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के लिए रख रहे हैं, 1 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। और हम ये हो जाएगा ना सारा 1 घंटे बाद, फिर हम इसमें ये मैदा कॉर्नफ्लावर है ये डालेंगे थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा ऑयल है 1 चमची करीब, ये डालेंगे टिक्का बनाने के टाइम पे, बस 1 घंटे बाद मिलते हैं आपसे। हमारे 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट हुए हुए चिकन मलाई टिक्के को। अब इसको हम किस तरह बनाएंगे ये दिखाते हैं आपको। अभी हमने ये पैन रख दिया गैस पे हमने ये पैन रख दिया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाला है हमने, थोड़ा सा मक्खन डालेंगे हम इसमें, मक्खन आप मक्खन भी डाल सकते हैं, वरना तो आप तेल में ही बना सकते हैं, जिसमें दिल करे आपका उसमें बनाए आप, मक्खन से ज़रा जायका अच्छा आ जाता है। बटर है ना, वो है ना बटर, नमकीन बटर है इस चक्कर में, बटर से अच्छा आ जाता है। ये हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, इसमें हम मैदा डालना है यानी कि कॉर्नफ्लावर डालना है, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे हम, इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद ऊपर नीचे कर लेंगे, ताकि नीचे इसका मसाला वगैरह है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद अब हम इसे जो हमने मक्खन और वो करा था घी, वो उसमें डाल देंगे बोटियों को, हल्की आंच पे करना है क्योंकि चिकन गलने तक पकाना है हमें, इसमें सारे एक एक करके सारे इसमें पीस लगा देंगे हम फ्राई पैन में, ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए आँच क्योंकि मक्खन जल जाएगा, हल्की आँच पे बनाना है। ऐसे धीरे धीरे सारी बोटियाँ लगा लेंगे हम। अभी हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, अलट उलट पलट कर दिया है हमने इसको, दोबारा दूसरी तरफ से फ्राई करके दिखाते हैं हम आपको, पूरा कंप्लीट हो जाएगा जब, और दिखाएंगे आपको फ्राई होते हुए, अच्छी तरह से गल जाए और सही से गोल्डन हो जाए जब दिखाते हैं आपको। अब ये चिकन हमारा फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से, इसी तरह से हम सारे चिकन को फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे अपने प्लेट में, और फिर दिखाते हैं आपको। तो हमारा तेल था, इसी में अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे हम, जो ये हमने मैरिनेट करा हुआ जो मसाला है हमारा, ये हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि इसमें दही और मलाई है, इसको मसाले को भूनना है। हम अपनी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, जो हमारी अब ये भुनने ही है हमारी ग्रेवी बना रहे हैं हम, और ये भुन चुकी है, थोड़ा सा भुनना है इसको। भुनने के बाद इसमें हमारे जो हमने फ्राई करा था चिकन, वो डाल लेंगे हम इसमें,
एक एक करके जो बोटियां हैं उसमें फ्राई पैन में डाल देंगे। ये सारा चिकन हमारे इसमें डल चुका है। अब इसको हम ढक्कन ढककर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर बनाएंगे। अब इसमें हम क्रीम डाल रहे हैं, अब हम इसमें क्रीम डाल रहे हैं। क्रीम आपका दिल करे उतनी डालें, जितने आपके बच्चे खाते हो या आप खाते हो। अब हम इसमें बहुत सारी क्रीम डाल रहे हैं, क्रीम हमारी काफी सारी डल चुकी है इसमें क्रीम। और इसमें देखिए पूरा डिब्बा डाल दे रहे हैं हम, 100 ग्राम का भर के डाली हमने इसमें क्रीम। और इसमें हम अब इसको ढक्कन ढककर ऐसे ही 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हमारा चिकन मलाई टिक्का तैयार है। अब इसकी ग्रेवी हमें थोड़ी सी पतली लग रही है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक यानी कि थिक होने तक पकाएंगे। अब 2 मिनट के बाद दिखाते हैं हम आपको। ये अब देखिए हमारा चिकन मलाई टिक्का तैयार है, इसकी ग्रेवी भी थिक हो चुकी है और रोगन आ गया ऊपर। अभी हम इसको डिस आउट कर लेते हैं, आपको डिस आउट करके दिखाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी डिश पसंद आई होगी। अगर मेरी डिश आपको पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।